अवकलन के अनुप्रयोग में प्रश्नावली 6.2 का, प्रश्नावली 6.2 का जो सवाल है उसमें आपको वर्धमान और ह्रासमान के बारे में बताना है। तो वर्धमान और ह्रासमान की जानकारी आपको यदि है तो आप अंतराल ज्ञात कर सकते हैं। ये सवाल है क्या, ये सवाल है छठवें का डी, प्रश्नावली 6.2 में छठवें का डी लिखा है f(x = 6 - 9x - x²) के लिए अंतराल ज्ञात कीजिए जिस पर फलन निरंतर वर्धमान है या ह्रासमान है। तो वर्धमान ह्रासमान का कंडीशन होता है, वर्धमान का कंडीशन होता है f(x) = 0 और ह्रासमान का कंडीशन होता है f(x) = 0। मतलब क्या, पूरी बात मैं सवाल में ही बता दे रहा हूँ, थोड़ा वक्त दीजिए और आप सीख जाएंगे, ठीक है। अंतराल ज्ञात करने के लिए हम करेंगे क्या, सबसे पहले इसका हम अवकलन करेंगे। अवकलन करने के लिए f(x) का अवकलन करने के लिए क्या करते हैं, इस पर डैश लगा देते हैं। क्या करेंगे, डैश लग गया, 6 का अवकलन 0, माइनस 9 का अवकलन क्या होगा, -9, -9x का अवकलन -9 और x² का अवकलन 2x। आपने अवकलन कर दिया, अब क्या करेंगे, आप f(x) का वैल्यू 0 रखेंगे। आप क्या करेंगे बेटा, f(x) = 0 रखेंगे। अब इसकी जगह पर इसका वैल्यू यहाँ से उठा के लाएंगे, यहाँ रखेंगे, ठीक है। इसका वैल्यू यहाँ वाला यहाँ रख दीजिए, -9 - 2x = 0 और -2x = -9 उधर जाएगा +9, तो x = -9/2। ये -2 इधर चला गया, बटे में 2 हो गया, माइनस चिन्ह इस बगल आ गया। अब बेटा आप एक काम करो, एक छोटी सी लाइन खींचो, इस तरफ संख्या रेखा पर माइनस में इनफाइनाइट लिखो और इस तरफ प्लस में इनफाइनाइट लिखो, तो माइनस अनंत और प्लस अनंत के बीच में ये पड़ेगा, तो इसको आप बीच में लिख दो। इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, ज़रा सोचिए, क्या सोचना है। आप यहाँ लिखेंगे वर्धमान हेतु, किसके लिए, वर्धमान हेतु क्या कंडीशन होता है, f(x) या तो बड़ा हो 0 से या तो बराबर हो 0 से, ठीक है ना, या तो 0 से बड़ा हो या तो 0 के बराबर हो। आप इतना लिखिए, इतना लिखने के बाद आप ये वाली लाइन ज़रा यहाँ लेकर आइए, ये दूसरी लाइन जिसमें आपने अवकलन किया है यहाँ लेकर आइए। आ गया आप, आ गए ना। अब एक काम करो, लिखो x एलिमेंट ऑफ कोष्टक में। अब देखो मैं जो बात बताने वाला हूँ, अब एक बार इस माइनस इनफाइनाइट को इसमें रखिएगा, इसमें, ठीक है, जिसको मैंने घेर दिया, आप घेरिएगा मत जब कॉपी में लिखिएगा, मैंने जिसको घेरा है इसमें x की जगह पर माइनस में इनफाइनाइट रखिए, ठीक है, माइनस में इनफाइनाइट रखिए और देखिए कि वैल्यू क्या आती है, तो आप रखिए -9 और -2 × इनफाइनाइट। इनफाइनाइट को जब आप माइनस में रखेंगे तो माइनस गुणे माइनस प्लस हो गया, इनफाइनाइट का दुगुना हुआ भाई, इनफाइनाइट का दुगुना हुआ ना प्लस में। अब इनफाइनाइट में से अगर 9 घट जाएगा तो कुछ फ़र्क थोड़ी पड़ेगा। जैसे मान लो समुद्र भर पानी में से 9 बूंद पानी घटा दो या निकाल लो, क्या समुद्र कम हो जाएगा, नहीं ना। तो यही बात यहाँ पर है कि -∞ × -2, तो पहले चिन्हों का गुणा करो, प्लस हो गया, प्लस हुआ क्या चीज़, इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट में से 9 घट जाएगा तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी प्लस में ही आएगा। इस नाते इनफाइनाइट माइनस वाला लेना यहाँ पर ज़रूरी हो गया, यानी -∞ रखने पर इसका वैल्यू 0 से बड़ा आ रहा है, इस नाते हमने इसको लिया। अब -9/2 रखिए, इसी x की जगह पर -9 × -2 × -9/2 रखिए, 2 कट गया -×-+, तो +9 - 9 कट के आ गया 0। ये भी लेने लायक है क्योंकि f(x) अगर 0 के बराबर है तो वो भी वर्धमान के लिए अंतराल बनेगा। तो यह इस पर -9/2 पर 0 आ रहा है, इस नाते हम इसको भी ले लेंगे। तो ये हो गया वर्धमान हेतु अंतराल। अब बेटा ह्रासमान के लिए अंतराल ज्ञात कर लो, देखो इस पर 0 आया ना, तो ये ह्रासमान में भी ये आंसर रहेगा। क्यों, क्योंकि ह्रासमान में भी कंडीशन ये है कि
एफ डैस एक्स या तो बराबर हो जीरो के या तो जीरो से छोटा हो, तो बराबर तो है ही ये वाला रखने पर, तो ये हम लेंगे जरूर, लिखेंगे ह्रास मान हेतु क्या एफ डैस एक्स छोटा हो जीरो से चाहे बराबर हो जीरो के, तो बराबर तो ये वाला है ही, मैंने अभी अभी चेक किया था इसमें, तो ये तुरंत हम लिखेंगे। तो एक्स एलिमेंट ऑफ माइनस नौ बटे दो तुरंत लिख दो। अब जरा प्लस का इनफाइनाइट इस एक्स की जगह पर रख करके देखो, अगर जीरो से छोटा आएगा तो उसको यहाँ लिखेंगे, अगर जीरो से बड़ा आएगा तो नहीं लिखेंगे। चेक करते हैं, प्लस का इनफाइनाइट जब एक्स की जगह पर रखोगे तो प्लस गुणे माइनस क्या हुआ, माइनस, और यहाँ भी माइनस, तो माइनस और माइनस माइनस ही होगा क्योंकि जोड़ा जाएगा भाई, माइनस तीन माइनस पाँच माइनस आठ ही ना हुआ, माइनस इनफाइनाइट तो माइनस में ही ना इनफाइनाइट होगा, तो कुल मिला जुला के जो वैल्यू आएगा वो माइनस में आएगा, और माइनस में आने वाली वैल्यू जीरो से क्या होती है, छोटी, इस नाते हम प्लस का इनफाइनाइट यहाँ लेंगे। तो ये रहा हमारा ह्रासमान का अंतराल और ये रहा हमारा वर्धमान का अंतराल, ठीक है, आपको लगता है समझ में आ गया है, और अगर समझ में आ गया तो बेटा कमेंट करके बताओ मुझे कैसा लगा आज की वीडियो। थैंक यू।